नमस्कार। फ्रेंड झटपट झटपट घरेलू डिश में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड बहुत ही यूनिक ट्रिक्स है, एकदम 2 मिनट में मंचूरियन बनाइए। फ्रेंड काटने छीलने और घंटों टाइम वेस्ट ना करें और 2 मिनट में ये मंचूरियन बनाए। फ्रेंड मिक्सी मंचूरियन तो ये बहुत ही यूनिक ट्रिक का है। फ्रेंड तो चलिए हम बनाते हैं मिक्सी मंचूरियन। फ्रेंड देखिए ये हमने लिए हैं फ्रेंड कुछ बीन्स, शिमला मिर्च 2, गाजर, बीट का 1 टुकड़ा और बंधा गोभी। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। फ्रेंड एकदम 2 मिनट में ये बनेगा मिक्सी मंचूरियन। फ्रेंड देखिए फ्रेंड इसमें छोटा छोटा बंधा गोभी, बीट्स और गाजर, शिमला मिर्च सब कुछ डाल के मिक्सी के जार में पीस लेंगे। फ्रेंड देखिए फ्रेंड ये हमारा पीस गया, थोड़ा दरदरा पीसिएगा फ्रेंड एकदम। दो मिनट में ये पिस गया फ्रेंड। अब इसमें फ्रेंड हम बीन्स को मिलाएंगे। बस बीन्स मिलाएंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच जो पानी दिए हैं फ्रेंड, थोड़ा सा इसको हम इस तरह करके सारा पानी को निकाल लेंगे। फिर निचोड़ लेंगे किसी बर्तन में। नहीं तो हमारा ये हार्ड हो जाएगा। ये 2 मिनट में बनता है फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए हमने पानी को निचोड़ लिए फ्रेंड एकदम। अब इसमें मिलाएंगे फ्रेंड अरारोट। ये हमने अरारोट का आटा लिए है फ्रेंड, 2 बड़ा चम्मच मिलाएंगे। और ये मैदा, इसको भी 2 बड़ा चम्मच मिलाएंगे फ्रेंड। अब साइड में रखिए, जितना जरूरत है उसको उतना मिलाइए फ्रेंड। इसके पानी जितना देखिए ये बनने लगा, बस बनना चाहिए फ्रेंड। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है फ्रेंड। ये देखिए अब हम थोड़ा और स्टार्च मिलाएंगे फ्रेंड। इसमें पूरा हम 3 बड़ा चम्मच स्टार्च और 3 बड़ा चम्मच मैदे को मिलाए फ्रेंड। ये देखिए बस हाथों से मिक्स कीजिए अच्छे से, चारों तरफ से चला। अब स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए फ्रेंड इसमें। फ्रेंड देखिए कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अब तेल को गर्म होने दीजिए। देखिए फ्रेंड तेल बिल्कुल गर्म हो गया। अब हम इसमें छोटा छोटा गोला बनाएंगे और डालेंगे। ये देखिए इस तरह। फ्लेम मीडियम रखेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड इसको अब हम धीरे धीरे पलटेंगे, फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और अब इसको पलटेंगे। देखिए
दो से तीन मिनट के बाद आप इसको पलट लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड ये कितना सॉफ्ट एकदम तल गया फ्रेंड। अब हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड। बहुत ही सॉफ्ट एकदम बन जाता है फ्रेंड इस ट्रिक से। एक एक करके आप इसको ऐसे तेल को निकालते हुए निकाल लीजिए फ्रेंड। तलेंगे फ्रेंड। तेल बचेगा फ्रेंड पकौड़े के बाद, उसी में हम 5 से 6 कटा हुआ प्याज डाल लेंगे फ्रेंड। ना ज्यादा बारीक और ना ज्यादा मोटा फ्रेंड, मीडियम साइज कटिंग करेंगे फ्रेंड। ये देखिए अब इसको फ्राई होने देंगे फ्रेंड। फ्लेम मीडियम पे ही इसको फ्राई होने देंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड एक छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, सोया सॉस ज्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड, उससे कड़वापन आ जाता है। और चिली सॉस एक सब्जी वाला चम्मच से डालेंगे फ्रेंड, एक बड़ा चम्मच, ताकि हमारा बहुत ही चटपटा बने फ्रेंड। और 2 बड़ा चम्मच इससे टमाटो सॉस डालेंगे फ्रेंड, तो ये इमेजिंग बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। ये देखिए सोया सॉस आप जितना कम डालिएगा फ्रेंड ये उतना अच्छा होगा फ्रेंड। बस ज्यादा सोया सॉस कड़वापन ला देता है फ्रेंड। अब थोड़ा सा इसको चलाएंगे, थोड़ा पका लीजिए 1 चम्मच पानी डाल के फ्रेंड। ये देखिए हम थोड़ा पानी डालें 1 से 2 चम्मच, अब उसको थोड़ी देर पकाएंगे। सॉस जितना अच्छे से पकेगा आपका मंचूरियन उतना अच्छा होगा फ्रेंड। और इसमें डाल लेंगे जिंजर अदरक का पेस्ट फ्रेंड। बस 1 पैकेट डाल लीजिए, या घर में भी बना है तो डाल लीजिए फ्रेंड, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम इस तरफ चला लेंगे फ्रेंड। फ्लेम मीडियम रख लीजिए ताकि ये थोड़ा अच्छे से पक जाए फ्रेंड। एकदम ग्रेवी एकदम अच्छा तैयार हो जाए फ्रेंड। देखिए 2 मिनट में, बस ज्यादा पकाना नहीं है, 2 मिनट बस गर्म करना है अच्छे से, ताकि ये मेल्ट हो और अच्छा पक जाए फ्रेंड। ये देखिए हमारा मेल्ट हो गया, अब इसमें पानी डालेंगे। एक बॉल मीडियम साइज बॉल से पानी डाल के 2 मिनट और पका लेंगे फ्रेंड, फिर थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बस बहुत ही इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए अब इसमें फ्रेंड थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल लेंगे, ताकि देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत अच्छा हो। और ये सघा प्याज स्प्रिंग ऑनियन तो इसको भी हम डाल लेंगे और इसके साथ ही इसको पकाएंगे फ्रेंड। 2 मिनट इसको पकने दीजिए, अच्छे से पकने दीजिए फ्रेंड। ये मिक्सी मंचूरियन फ्रेंड आप लोगों को एकदम अमेजिंग टेस्ट देगा फ्रेंड। फ्लेम मीडियम रखिए और इसको पकाइए।
देखिए फ्रेंड, उबाल आ गया। ये हमारा मंचूरियन का ग्रेवी देखिए एकदम पक गया फ्रेंड। अब इसमें एक पिंच नमक डालिएगा, नमक ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि सॉस में भी नमक होता है फ्रेंड, तो थोड़ा सा नमक डालिएगा। अब हम इसमें हाफ, ये देखिए मीडियम साइज ग्लास से थोड़ा और पानी डालेंगे और इसमें एकदम बॉयल होने देंगे। एकदम इसका बड़ी मंचूरियन डाले तो ये एकदम सोक ना कर ले, थोड़ा गीला गीला भी। देखिए फ्रेंड, अब देखिए ये उबाल आ गया फ्रेंड बिल्कुल, थोड़ा सा और उबलने देंगे फ्रेंड देखिए, ताकि ये एकदम बिल्कुल ठीक हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया ग्रेवी। अब इसमें हम मंचूरियन को डालेंगे। ये देखिए 2 मिनट में इजी वे में बन गया। इस तरह बनाइएगा फ्रेंड, बहुत मजेदार बनेगा एकदम यूनिक मिक्सर मिक्सी मंचूरियन। सादा सारा को आप इस तरह डाल दीजिए, बस फ्लेम मीडियम रखिए और इसको चला लीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोया सॉस बहुत ही कम मात्रा में डालें फ्रेंड। और हमेशा फ्लेम मीडियम रखें। देखिए फ्रेंड, अब ये मंचूरियन तैयार हो गया। 2 मिनट से ज्यादा नहीं खोलाइएगा फ्रेंड, बहुत ही यूनिक सॉफ्ट मंचूरियन बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड, गैस को बंद करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक डला हुआ रहता है फ्रेंड, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।